वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जुम्मा, मैं जा रही हूँ अभी जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए। 2 बज गए है तो मुझे सिमियन साई ने कमेंट करी थी कि उन्हें कोरमे की रेसिपी चाहिए थी, तो मैंने वो शूट कर ली हूँ। तो आप जब तक कोरमे की रेसिपी देखें और मैं जुम्मे की नमाज पढ़ के आपको टेस्ट करके बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं कोरमे की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने प्रिपरेशन कुछ भी नहीं करके रखी हूँ, सब मैं आपके सामने ही करूँगी। मैंने चिकन वॉश करके रखी हूँ, ये देखिए पानी में भिगो के रखी थी, और कढ़ाई में मैंने तेल डाल दियो। अब मैं चिकन डाल रही हूँ, मैंने इसमें 1 kg चिकन ली हूँ। ये सब मेजरमेंट मैं आपको 1 kg चिकन का बता रही हूँ। तो हमें चिकन डाल के पहले चिकन को तलना है अलग से। चिकन को तलने के लिए मैंने लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट बनाई थी, इसको मैंने 4 चम्मच भर के डाली हूँ, और कुछ गर्म मसाले भी डालूँगी जो मैं आपको आगे बताऊँगी। चिकन को हमें अलग से सेपरेट तलना है, ये सब मसाले डाल के। उनको हमें तब तक तलना है जब तक उसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाए, वो गल नहीं जाए अच्छे से। और चिकन को कभी भी ना ओपन रख के आप तलना। इधर मैंने नमक भी डाल दी हूँ, ओपन रख के तलना ताकि उसकी स्मेल जो भी है सब निकल जाए। अगर आप उसके ऊपर ढक्कन रख दोगे ना तो चिकन के अंदर से स्मेल आएगी, तो कभी भी चिकन तलते समय ढक्कन नहीं ढकने का, ऐसे ही तलने का उसको, उसकी स्मेल पूरी निकल जाती है। यहाँ पर देखिए मैंने छोटी इलायची ली हूँ, बड़ी इलायची ली हूँ, थोड़ी सी लौंग ली हूँ। एक बड़ी इलायची है और इसमें 2-3 छोटी इलायची और 4-5 लौंग है, तो ये मैं डाल दूँगी। और मैंने सॉल्ट भी डाल दी इसके अंदर। अभी हम इसे अच्छे से तलने देंगे। यहाँ पर मैं 4 बे लीफ भी डाल रही हूँ। अभी मैं इसका ऑयल सेपरेट होने तक इसे तलूँगी और ये इतने में कुक भी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने 5 बड़े बड़े साइज़ के कांदा लेती, इन्हें मैं गोल्डन ब्राउन में तब तलूँगी। तो कांदा हमें गोल्डन ब्राउन करना है, क्रिस्पी होना चाहिए एकदम। ये देखिए मैंने पूरा कांदा डाल दिया और साइड में मेरी चिकन हो गई है अच्छे तरीके से। देखिए आप देख सकते हो कि पूरा पानी ड्राई हो गया है और इसमें ऑयल भी सेपरेट हो गया। तो मैं चिकन बंद करके चिकन उतार दूँगी और एक साइड में अपना कांदा फ्राई करूँगी। यहाँ पर मसाले की प्रिपरेशन हो रही है। मसाले में मैं सूखा खोपड़ यूज़ करूँगी, जो आधी बाटी आती है ना सूखा खोपड़े की, मैंने उसका 3/4 ली हूँ। थोड़ा सा पार्ट बचा दी उसमें से, देख सकते हो आप, थोड़ा सा पार्ट मैंने हटा के रख दी हूँ। तो मैंने थोड़ा सा खोपड़ा काटी हूँ और मैंने इसमें 15 से 20 काजू ली हूँ, और साथ ही साथ में ये 2 टेबल स्पून भर के जो मेलन सीड आते हैं ना वो ली, उसको मगज़ भी बोलते हैं। 4 मगज़ बोलोगे तो आपको दे देगा कोई भी ईजिली, ये मेलन सीड होते हैं। अभी मैं इन सबको ग्राइंड करूँगी और इसके अंदर ही मैं गरम मसाले भी डालूँगी। ये देखिए गरम मसाले में मैंने 3 बे लीफ ली हूँ जिसको मैंने तोड़ के डाली हूँ। यहाँ पर मैं 2 सिनेमन स्टिक डाल रही हूँ और इसके अंदर मैं ये 3 बड़ी इलायची डालूँगी और 4-5 छोटी इलायची, 2 स्टार अनीस फूल बोलते जिसे, और ये कुछ लौंग है, थोड़े से ब्लैक पेपर। तो यहाँ पर अभी मैं नटमेग डालूँगी। नटमेग आपको हाफ में से भी हाफ लेना है, बहुत कम पोर्शन आपको नटमेग का यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा नटमेग डालोगे तो आपका सालन ग्रेवी कड़वी हो जाएगी। और यहाँ पर मैं मेज ले रही हूँ एक छोटा वाला, जैसे जवत्री जायफल भी बोलते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून नॉर्मल ज़ीरा होता है वो ली हूँ और 1 टेबल स्पून शाह ज़ीरा होता है वो ली हूँ। तो मैं दोनों चीज़ डाल के इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। हमें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी चाहिए ये मैं आपको आगे बताऊँगी वीडियो में। तो यहाँ पर मैं इसे पहले ब्लेंड कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं मसाला प्रिपरेशन करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 4 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर यूज़ करी और 4 टेबल स्पून ही मैंने इसमें रेड चिली पाउडर यूज़ करी थी। मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट में भी ग्रीन चिली डाली थी। मैं ये सालन थोड़ा तेज़ बना रही हूँ, थोड़ा तीखा बना रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा मिर्ची यूज़ कर रही हूँ। अगर आप कम स्पाइसी खाते हो, कम तीखा खाते हो, तो आप लहसुन अदरक के पेस्ट में से मिर्ची स्किप कर सकते हो, सिर्फ इसमें लहसुन जिंजर और गार्लिक का पेस्ट बना के डालना। यहाँ पर ये जो मेरी रेड चिली है ये कलर भी बहुत अच्छा देती है खाने को और स्पाइसी भी, इसलिए मैंने ज़्यादा ली हूँ।
वैसे भी कौरमा रेड होता है, इसलिए मैंने रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा करी हूँ। आप भी रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा करना, उसमें से ग्रीन चिली स्किप कर देना। यहाँ पर मैं अपना मसाला पानी में घोल के डाल रही हूँ, ताकि जो बिगनर्स होते हैं, जो शुरू शुरू में खाना बनाना स्टार्ट करते, उनके लिए ये टिप है। अगर आप मसाला ऐसे पानी में घोल के डालोगे तो आपका मसाला तेल में जाके जल्दी से जलेगा नहीं। अगर मसाला तेल में जाके जल जाता तो खाने का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल ली हूँ, मैंने कम ऑयल ली हूँ इसमें, क्योंकि मैंने चिकन में भी ऑयल ली थी, वो भी चिकन में जो फ्राई हुआ है उसका ऑयल भी मुझे इसमें डालना है आगे। यहाँ पर मैं इसमें एक बे लीफ डाली हूँ। अभी मैंने ये जो मिक्सचर घोल के रखी थी मसाले का, रेड चिली का और कोरिएंडर का, ये मैं डाल दूँगी और इसे स्लो फ्लेम पे अच्छे से पकाऊँगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी भी डालूँगी, जहाँ जहाँ आपको पानी रिक्वायर्ड लगेगा, आपको लगेगा कि मसाला जल रहा है, वहाँ वहाँ आप थोड़ा सा 2-2 टेबल स्पून पानी डाल के मसाले को भून सकते हो। तो यहाँ पर मैं मसाला अच्छे से भून गया था, थोड़ा थोड़ा ऑयल सेपरेट हो गया था, तो मैंने इसमें 5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट डाली हूँ। अभी मैं इसे भी अच्छे तरीके से भून लूँगी। यहाँ पर जो मैंने मसाला पीसे थे उसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए, आपको मसाला बारीक पीसना है। और यहाँ पर मैंने 4 बड़े बड़े टमाटोज लिए थे, आपको टमाटोज भी रेड यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग को कौरमे को ना नेचुरल रेड कलर देना, हम लोग इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फूड कलर ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने जो कांदा ब्राउन करके रखी थी, मैं कांदा भी पीस रही हूँ। कांदे में मैं 1 कटोरी भर के दे डालूँगी, जो कि 1/2 किलो होती है। तो अभी मैं कांदा दही के साथ में पीस लूँगी और ये सब चीज़ें साइड में रख दूँगी, मैं 1 by 1 करके डालूँगी और आपको दिखाती जाऊँगी आगे। तो देखिए यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं मेरे पूरे मसाले को भुनते हुए। पहले मैंने जो पानी में भिगो के रखी थी मसाले वो डाली, फिर उसमें जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट डाली थी, फिर मैंने उसमें टमाटो पेस्ट के डाली थी। अभी मैं उसके अंदर ये जो मैंने नारियल और सब चीज़ों का पेस्ट बना के रखी थी वो डाल रही हूँ। इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है। तो 2-3 मिनट भूनने के बाद में मैं यहाँ पर इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। आप चाहे तो सॉल्ट पहले भी डाल सकते हो, जब आप मसाले पानी में कर रहे थे आप तभी भी उसके साथ में सॉल्ट डाल सकते हो, पर मैं थोड़ा सॉल्ट बाद में डालना प्रेफर करती हूँ। सॉल्ट ध्यान से डालना है आपको, क्योंकि आपने चिकन को फ्राई करते समय भी सॉल्ट डाला था और अभी भी सॉल्ट डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने साथ ही साथ अनियन और कट का पेस्ट भी डाल दी थी। यहाँ पर मेरा पीस थोड़ा थिक हो गया तो मैंने उसमें पानी डाल के थोड़ा लूज़ कर ली थी उसे। ये देखिए इस तरीके से आपको साथ ही साथ में चिकन के साथ में आपको ये पेस्ट डाल देना है और अच्छे से चम्मच चला के इसके 10 मिनट तक का इसे स्लो फ्लेम पर ढक्कन ढक के कुक करना है। तो यहाँ पर 10 मिनट मैंने स्लो फ्लेम पे कुक करी थी। 10 मिनट के बाद में मैं इसमें मखाने डाल रही हूँ। आप चाहे तो मखाने फ्राई करके भी डाल सकते हैं, मैं इधर मखाने ऐसे ही डाल रही हूँ, मुझे फ्राइड मखाने नहीं पसंद इसलिए। तो मखाने डालने के साथ ही साथ में मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाल दी थी। यहीं पर ही आपको जो कौरमे की कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से आपको पानी डालना है। मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाल दी, क्योंकि मुझे नॉर्मल कौरमा पसंद है, ज़्यादा थिक पसंद नहीं है।
तो यहाँ पर मैं इसे फिर बाद में ढक्कन ढक के और 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकने दूंगी। यहाँ पर देखिए कोरमा बिल्कुल रेडी हो गया है। आपको थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ऊपर सेपरेट दिख रहा है, अभी मैं इसे बंद करके साइड में रख दूँगी। 5-10 मिनट बाद में पूरा ऑयल जो भी हमने डाला था सब ऊपर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पूरा ऑयल ऊपर आ गया है और कोरमा बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर मैं सर्व कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इसकी कंसिस्टेंसी इतनी पतली रखी थी। तो यहाँ पर मैं किचन में खाना बना रही थी और अहद का दरवाज़ा बंद था किचन का, तो वो ठोक के मुझे बुला रहा था और पूरा घर फैला के रखा है इधर उसने। यहाँ पर शायरी ने इसकी वीडियो शूट करी थी, क्या मस्ती कर रहा था पीछे। आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। ये मैंने वो वाला कोरमा बनाया जो मैंने ईद में आपको दिखाई थी ना, ये वही रेसिपी है। कोरमा बहुत ज्यादा टेस्टी बना है, आप भी जरूर बना के टेस्ट करके देखना, तभी आपको उसका टेस्ट पता चलेगा कितना अच्छा बना है। एकदम सेम जैसे शादी में बनाते हैं ना वैसे ही बनता है, बहुत इजी भी, इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत अच्छा है। आप भी जरूर ट्राई करना। आप इसे रोटी के साथ में, नान के साथ में, प्लेन चावल के साथ में, जीरा राइस के साथ में, या पुलाव के साथ में, यखनी पुलाव में, उसके साथ में किसी के भी साथ में ले सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। लंच के बाद में तो अभी उठी हूँ मैं 45 मिनट्स पहले, तो शाम में अहद का दूध आता है, डैडी जाके लेके आते हैं, अभी मैं अहद का दूध गर्म करने रखूँगी और दूध गर्म करने के बाद में फिर मैं बनाऊँगी अपनी ग्रीन टी। एज यूजुअल शाम में तो कंपल्सरी होता है ग्रीन टी पीना और सुबह में काढ़ा। घर में भी तमिले से दूध आता है तो उसे एक बार छान जरूर लेना, क्योंकि उसके अंदर बहुत छोटी छोटी मिट्टी होती है और थोड़े बहुत डस्ट भी होता है, इसलिए एक बार छान लेना बहुत अच्छा होता है।
तो यहाँ पर बहुत सारी मस्ती करने के बाद मैं आज सो गया था। ये कुछ 8 बजे थे या 8:30 बजे थे ये सो गया था। उसी के बीच में मैंने जाके आटा गूंद के रोटी बना ली थी, क्योंकि सालन रखा था, चावल भी थे तो थोड़ी सी सिर्फ रोटी डालनी थी 5-6। तो यहाँ पर मैंने रोटी डाल दी हूँ। रोटी बनाने के बाद ना हम लोग ने सबने डिनर कर लिए, और जैसे कि आपने अहद को देखा था वो नैप ले रहा है, वैसे कि उसका सोने का टाइम नहीं है, वो सिर्फ नैप ले रहा है। आधे घंटे में उठ जाएगा, वो सोएगा कम से कम 1-1.5 बजे तक वो सोता है। और आपको पता है जिसने क्या किया, मेरा ट्राईपॉड तोड़ दिया। मैं आपको दिखाती हूँ, अहद ने मेरा ट्राईपॉड तोड़ चुका है। शाम के टाइम पर जब मैं ग्रीन टी पी रही थी और वो खेल रहा था, तो मैंने थोड़ी देर शूट करके बंद कर दिया, कैमरा ये उठाना भूल गई वहाँ से, उसने गिरा के इसे तोड़ दिया। अब बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, पता नहीं अभी इस पर स्टिक होएगा भी या नहीं होएगा, देखते हैं अभी इसका क्या होएगा। कोशिश करूँगी इसे स्टिक करने की, कुछ जुगाड़ लगा के, क्योंकि ये तो तोड़ दिया इसने, ये तो तोड़ा है, प्लस मेरा चश्मा भी तोड़ के रखा। बहुत तोड़म फोड़ करता है ये घर के अंदर, इतना तंग करता है ना, इतना बहुत ज़्यादा। तो अहद का नैप हो गया है, सिर्फ 10-15 मिनट का नैप था, उठ चुका है भाई साहब, और फिर से थोड़ा हम पूरी चालू होगी घर के अंदर या नहीं। पूरा दिन बस घर में तोड़म पोड़ी ही चलती है, कभी ये तोड़ेगा, कभी वो फोड़ेगा, कभी ये गिराएगा, कभी वो गिराएगा, बस पूरे दिन आपको घर में ना अहद 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 ऐसी आवाज़ सुनाई में आएगी। अभी तो ये सोएगा 1-1.5 बजे। हाँ, कब सोओगे अभी आप? अभी आप कब सोओगे? 1-1.5 बजे सोएगा अभी। क्या हो रहा है?
ये देख रहे हो आप, फोर फोर टीथ, इसे काटता भी है ये बहुत जोर से है। टीथ दिखाओ, फोर फोर टीथ है इसके पास में, जिसे बहुत जोर से काटने लगा है। ये पहले सिर्फ नाखून से नोचता था, अभी दांत आए तो उसे काटता भी है। तो यहाँ पर मैंने अहद को नाइट ड्रेस पहना दी हूँ, ये भी सोने के लिए रेडी और मैं भी सोने के लिए रेडी हूँ। मैंने अपना स्किन केयर भी कर ली हूँ, फेस वॉश करके अच्छे से, तो अभी हम लोग दोनों सोने जाएंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग बस यहीं तक था। अगर आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई करोगे कोरमे की तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक था, अल्लाह हाफिज़।